हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे कढ़ाई दाल। ठीक है, कढ़ाई में अरहर दाल बना के आपको दिखाएंगे। जिस प्रोसेस से मैं बनाऊंगी, आप उसी प्रोसेस से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा रोटी के साथ खाने वाला दाल। ये जो अरहर दाल है, इसको मैंने 3 घंटा गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ठीक है, 2 से 3 घंटा भिगो दीजिए, फूल जाता है। इसमें हम प्याज, टमाटर, इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक कूटी हुई, ठीक है, इसको पेस्ट नहीं बनाएंगे, कूट के डालेंगे। चलिए बनाते हैं। ये जीरा, साबुत जीरा और गोटा सूखा लाल मिर्च, सरसों के तेल से बनाएंगे। इसको हम छौंक लगाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सारे प्यारे दर्शकों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस प्रोसेस से ही बनाइए। कोई बोलता है दाल गलता नहीं है, कैसे नहीं गलेगा, आप मेरे प्रोसेस से बना के देखिए। फिर हम सारा चीज़ जो हम काट के रखे थे उसको डाल देंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सब सब इकट्ठा डाल देंगे और अच्छे से इसको भुनेंगे। एकदम अच्छे से गल जाने तक हम इसको भुनेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी है। इसको हम पूरा गलाएंगे नहीं, दाल को थोड़ा थोड़ा दिखने लायक रखेंगे ताकि रोटी के साथ अच्छा लगे। ये हमने नमक डाल दिए हैं और हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको भुनेंगे, एकदम अच्छे से गल जाने तक। टमाटर गल जाएगा, प्याज गल जाएगा, तब तक हम इसको भुनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये दाल, आप चावल के साथ खाओ और किसी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये हमने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दिए हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च कूटी हुई डाले थे, फिर छौंक में गोटा सूखा मिर्चा डाले थे, इसलिए ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। ये देखिए अच्छे से भून गया है, गल गया है सारा चीज़। आपका टमाटर गल गया, प्याज गल गया, अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। अभी हमने वो भीगा हुआ दाल डाल देंगे, फिर अच्छे से मिला लेंगे सबको, एकदम अच्छे से मिला लेंगे। फिर पानी डालेंगे, इतना पानी डालिए, ज़्यादा नहीं, जितना कि ये दाल डूब जाए। ठीक है, दाल डूबने लायक पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। हम इसको पूरा गलाएंगे नहीं, सब्जी जैसा बनाएंगे, दाल को सब्जी जैसा बनाएंगे, इसीलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। फिर इसको ढक देंगे 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट ढक के पकाइए। ये देखिए हम 10 मिनट बाद लौटे हैं, गल गया दाल, पूरा गल गया अच्छे से। ये देखिए सब्जी जैसा दाल बन गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। एक बार बनाइए, मैं जिस प्रोसेस से बोली हूँ उसी प्रोसेस से आप बनाइए, देखिए एकदम तैयार। इसमें हम सब्जी मसाला डालेंगे, एक टेबल स्पून सब्जी मसाला डाल दीजिए, किसी भी सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला आप डाल दीजिए। और कस्तूरी मेथी पाउडर करके डालिए, गरम तवा में उसको कस्तूरी मेथी पत्ता को गरम कर लीजिए और फिर क्रश करके डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये सब्जी जैसा बन रहा है ना, इसीलिए बहुत ही टेस्टी। हम इसको पूरा गलाए नहीं, लेकिन पक गया है, अच्छे से पक गया है। ऊपर से एक तो छौंक लगा देंगे जीरा और हरी मिर्च, भुना हुआ हरी मिर्च। ये लीजिए, बन गया आपका अरहर दाल कढ़ाई। कढ़ाई में हमने अरहर दाल बनाए, सब्जी जैसा बनाए। आप एक बार मेरे प्रोसेस से बनाओ, खाओ, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी, तब तक के लिए बाय।